भी स्टार्ट हो रही है। आम रहता ना, आम आम स्लाइस जो रहता खराब। सच बताओ तो ये रॉकी और रानी की प्रेम कहानी नहीं है, ये धर्मेंद्र और शबाना आजिश की प्रेम कहानी। हेलो एवरीवन, आई एम हॉफ एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की जो वीडियो है ना, सबसे पहले हम स्टार्ट करके आइसक्रीम खाते थे, फिर आप ब्लॉग देखते जाना, आज आपको मिलेगा सरप्राइज। तो ये हम जाएंगे अंदर। तो आज हम आए नेचुरल आइसक्रीम टेस्ट करने के लिए, कोकोनट टिंडर कोकोनट। बट प्रॉब्लम ये चल रहा है क्या, राशिद भाई को पसंद नहीं है। मुझे आइए, आसिफ को तो बहुत पसंद है और मैं भी यही खा रहा हूँ। टेस्ट तो अच्छा है ना, टेस्ट तो बेहतरीन है, इसमें कोई शक नहीं। और इसके बाद भी हम कहीं जाने वाले हो, आपके लिए सरप्राइज है, तो वीडियो साथ बने रहना। आज है ना हम लोग का नाइट आउट है, आसिफ का मुँह देख लिया। भाई आप बताओ कैसा लग रहा है आइसक्रीम आपका? अभी भाई पहले खाने तो अभी तो आइसक्रीम अच्छा लग रहा था, मैं इसकी शक्ल देख ली। अच्छा अच्छा, तेरी शक्ल भी और आइसक्रीम दोनों अच्छे। अगर सही बताओ ना आपको, टिंडर कोकोनट से बेस्ट है ना कुछ भी नहीं। ऐसे ऐसे बाइलो ऐसा इसका ऐसा लग रहा है जो आम रहता ना, आम आम स्लाइस जो रहता है खराब हो वो। और ये डू इज इट, डू इज इट। आदेश का एक ब्लॉग आता है यूट्यूब पे, उसमें वो ब्लॉग में भी ना उस आरुष का एक लैला नाम का दोस्त है, सबको हमेशा हर ब्लॉग में उसकी लैला बोल बोल के उड़ाते रहते हैं। तो इसका क्या नाम है, चुम्मा चुम्मेश्वर, तेरा नाम चुम्मा सही लग रहा है। तेरे घर वाले चुम्मा बोलते हैं तेरे को? चुम्मा क्यों बोलते, तू पपिया बोल देता है क्या? पपिया लेता वो रात में पूरा मॉल खाली रहता है तो अलग ही मजा है। चल बे, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, एक गुड इवनिंग ही बोलते हैं ना रात में। कैसे चेक कर रहे हो? गुड नाइट सर, ऐसे ऐसे चेक कर रहे। तो अभी कितने बज रहे हैं? अभी 11:15 और है रात का शो। ओह माय गॉड, गुड लेजेंड ब्रो, तुझे बड़ा मजा आ रहा है। अरे उसके तो मजे लिए, अभी रात में लिफ्ट चलती है यार, मैं सोचा है तो लिफ्ट नहीं, क्या बोलते उसको, एलिवेटर। सॉरी माय मिस्टेक, माय मिस्टेक। इसको भी तो लिफ्ट बोलते हैं, वो लिफ्ट बोलते हैं, थोड़ा गलत हो गया। ऊपर जाने वाली सीढ़ी। अरे भाई कंटेन मिल गया अपने को। भूत 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 भूत। कोई मिली नहीं इसको, उठा लेना। बारिश मॉल के अंदर हाथ ने बोझ रहे हैं ऊपर क्लाउड, ये भी है क्या उसको बोलते, ये ना रियल वाली छतरी है, रियल वाली, समझ रहे हो आप? बट आइसक्रीम सही थी ना सबसे, बस फालतू थी मैंगो वाली। नहीं भाई, सबसे अच्छी मैंगो थी भाई। चल चल ऊपर जाने वाली सीढ़ी। आज रात में एक्सपीरियंस करना है, देखा रात की मूवी का कैसा मजा आता है, तो अभी देखेंगे कैसा है कैसा नहीं। गदर 2 सनी देओल, वो क्या उठाया था उसने, हैंड पंप क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं भूल गया। आगे आगे भाई, इधर अभी टिकट नहीं निकाला, टिकट निकाल के हो गया। नया मेरे फोन, नया है वह। ओके मेरे फोन में, मेरे फोन में ना राशिद, राशिद ए राशिद, राशिद राशिद, लेडीज 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 भाई लेडीज। अंदर बोले, बोरा अंदर वीडियो अलाउड नहीं, बट हम तो हम तो करेंगे वीडियो, गुड भी हो जाए। स्क्रीन 3 भाई, स्क्रीन 3, स्क्रीन 3 हो गई है। सड़ो भी अभी 11:15 की, अब तेरे को कैसे समझ में आया स्क्रीन 3 का है? बेस स्टार्ट हो गई और ये स्टार्ट हो रही है, अभी मूवी स्टार्ट हो रही है। बेस्ट ट्रांसफर, बेस्ट प्राइस, बेस्ट आर्किटेक्ट चुनने में मदद। आज बाजार है ना, वहां हर चीज हर दिन। गलत थिएटर में आ गए, मैं घर आ रहा हूँ।
मैडम सर स्मार्ट बाजार है ना, वहाँ हर चीज हर दिन सबसे कम दाम में और वहाँ प्रीमियम का है, ऊपर बैठेंगे सबके लिए कम दाम है ये देखे, बल्कि वहाँ तो इतनी सारी चीजें। हर दिन हर चीज सबसे कम दाम पर चाहिए तो स्मार्ट बाजार चलिए। अरे पिक्चर चालू कर यार। बड़े पापा तो बुड्ढो के इमरान हाशमी के पापा बड़े हैं यार, क्या जज्बा। देखो अभी बज रहे एक और आधा आप कंप्लीट हो गया। और रही बात मूवी की रिव्यू की, तो वो आलिया भट्ट और रणवीर सिंह की मूवी नहीं है, वो धर्मेंद्र और शबाना आजिज़ की मूवी, समझ रहे हो। ये स्टार्टिंग का जो पहला जो हाफ था ना, वो पूरा उन पे डिपेंड है, क्योंकि वो बात वो ऐसी क्या बता आपको क्या भाई, रुक जाना आ रहा हूँ। तो मूवी की जो पहले हाफ की जो पार्ट की जो बात है ना, उसमें धर्मेंद्र की याददाश्त चली गई थी, और उसके बाद जैसे वो हिरण को देखा वो याद आ गया। मतलब 90s की जो पिक्चर होती है ना, सही में करण जौहर की जो ये मूवी है ना 90s की मूवी लग रही, और मेरा जो साथ का दोस्त था वो सो गया था, तो अभी क्या कर सकते हैं। तेरा नहीं मैं, तेरा नहीं मैं, लवर लवर लवर। ये ऑटोमेटिक क्यों बज रहा है? अच्छा आप मूवी की तरह रिव्यू बताओगे आपने? आप तो सो गए थे। अभी तो भाई इंटरमिशन नहीं हुआ है, अभी आगे मैं 5 मिनट मूवी देखा और 10 मिनट सो रहा था। आलिया भट्ट के अलावा किसी को नहीं देखा मूवी। और उसके आगे रणवीर सिंह गया है आलिया भट्ट के घर, और आलिया भट्ट गई है रणवीर सिंह के घर 3 महीने के लिए, जो कि उसकी दादी उसको रहने दे नहीं रही है। तो अब देखेंगे अगर उन लोग की लव स्टोरी कामयाब तो होगी भाई, इंडियन सिनेमा है, दोनों तो पक्का मिलने वाले 100%। लेकिन देखेंगे स्टोरी कैसी बनती है कैसी नहीं, मैं देखूंगा आपको भी दिखाऊंगा, तो देखते रहना। हे बॉयज वेलकम, और हाँ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करोगे तो ही आगे देख पाओगे, देख सकते हो बट कर लो, प्यार से बोल रहे थप्पड़ मार के। ओ माय गॉड फोटोशूट, ओ मॉल ब्रो इंटेंशन कर रहे हैं, कर रहे हैं कागज में रह रहा मेरा सर। ओ अभी आई है एडमिट की बज रहा है। शमिता कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसी से हैं? बिग बॉस भाई उठ जा, खत्म हो गए पिक्चर। घटिया फिल्म है घटिया। हम मूवी की बात करेंगे पहले, बट पहले आप ये देख लो कि रात में 3 बजे मॉल का क्या हाल होता है। बेचारे गार्ड भाई बैठे यहाँ, और ये दोनों उनको ए बाबा ए भाई क्या कर भाई, परेशान है यार वो, अपन मूवी देख के आए, वो बेचारा पूरी रात जागेगा, उसको कॉपरेट करो। और मूवी की रिव्यू की बात की जाए तो करण जौहर ने वाट लगा दी, बकवास मूवी है, बकवास मतलब 5 नंबर दे दूंगा 10 में से, अभी मैं दिख नहीं रहा आगे। 3 नंबर देगा, 3 नहीं 2.5 देखो कितने नंबर देगा। वो एक भी नहीं देखा, उसको आलिया भट्ट से उसकी नज़र ही नहीं उठ रही थी। ये कौन है वे रात में 3 बजे कौन खड़ा है इधर? अरे ये प्यानो दिल पीरी चीजी है।
हर चीज भैया जी स्माइल, भैया जी स्माइल।